जिन लोगों की जीवन की गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही है, वह इस तस्वीर को ध्यान से देखें, गलतियों को सुधार कर सफलता हासिल करें, एक और एक ही दिशा में घोड़ा दौड़ाना है, तभी मंजिल प्राप्त होगी। कुछ लोग दिमाग के घोड़े हर दिशा में दौड़ा रहे हैं, देखो तीन घोड़े हैं, ये कहां जाएंगे? एक उधर खींच रहा है, एक इधर खींच रहा है, एक उधर खींच रहा है, घोड़े परेशान है। आधे से ज्यादा लोग ज्वाइन है एम्पायर में, लेकिन प्लान दूसरी कंपनियों को देख रहे। सर वो फलानी तो बहुत दे रही है, बेटा फलानी तुझे अब तू इधर है ना तब दे रही है, जब तू वहां जाएगा तो वहां भी झुनझुना बजाना पड़ेगा। मैं कई बार लोगों को बहुत बेसिक लेवल से समझाता हूं कि फलानी ज्यादा दे रही है, फलानी की इतनी ग्रोथ है, तो उसके पास तो मार्केट में उसको जाने की जरूरत ही नहीं है, वहां तो लोग खुद चल के जाएंगे। तो ऐसा हो रहा है? नहीं सर, वैसा नहीं हो रहा है। इट मीन वो खाली किताबों में दे रही है, वो खाली किताबों में दे रही है। हमारे घोड़े झगड़ रहे हैं, एक राइट जा रहा है, एक लेफ्ट, पता ही नहीं है जाना कहां है, पता ही नहीं है सेमिनार लेना क्यों है, पता ही नहीं है सीखना क्यों है, पता ही नहीं है कि आगे जाना क्यों। मैंने एक ही चीज कही, मेक लाइफ ब्यूटीफुल। एक लक्ष्य निर्धारित करो, आप इधर उधर घोड़े मत भटकाइए। आप खुद सोचो, तीन घोड़े लगे एक ही रथ को, कहां जाएंगे? ये जोर तो अपना सारे लगाएंगे। एक दिशा में रखो आप, एक दिशा में। जिंदगी में जितनी जल्दी हो सके, जिंदगी में जितनी जल्दी हो सके, अपने सारे के सारे सवालों का अंतिम संस्कार कर दो, नहीं तो सब कुछ होते हुए भी ये तुम्हें असफल बना देंगे। यस सर। समझाने वाला एक ही था, समझाने वाला दोनों को एक ही था। अर्जुन ने बहुत जल्दी अपने क्वेश्चन खत्म कर दिए, रिजल्ट क्या हुआ? विजय। लेकिन ये बंदा था, इतना मास्टरमाइंड था, क्वेश्चन में क्वेश्चन निकालता था। प्यार से बोला, यार इनको आधा दे दे। नहीं मैं आधा नहीं दूंगा, और कोई प्लान है तो दिखाओ। कहता मैं पांच गांव दे दे। कहते ये भी नहीं दूंगा, सुई की नोक के बराबर भी नहीं दूंगा। रिजल्ट क्या हुआ? खत्म। आपके जितने भी क्वेश्चन हैं, आप जिंदगी में करोड़पति बन जाए, इससे मजबूत क्वेश्चन कोई नहीं है। यस, उस पे काम करो। बाकी ये तो रूटीन थॉट है। लोग ये बोलेंगे उसकी कंपनी अच्छी है, मेरी तरफ चले आओ, वहां ऐसा हो रहा है, विजय ऐसा है, बंदा ऐसा है, अपलाइन ऐसी है, वो ये रूटीन है जी, ये चलता रहेगा। आपके हाथ में कंकड़ पत्थर है। यस, अब अगर विजय धीरे से हीरा पकड़ा देगा ना, विजय धीरे से हीरा पकड़ा देगा, तो आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि कंकड़ और पत्थर छोड़ दो। आप अपने आप ही छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि हीरा पकड़ना है। मेरे प्यारे भाई बहन, बुराइयों को तो निकालो ही, लेकिन बेहतर पाने की कोशिश करिए। जिस दिन बेहतर आ जाएगा, ये कीड़े मकोड़े अपने आप ही पीछे रह जाएंगे। अपने आप पीछे रह जाएंगे। हम फंसे हुए हैं इस चक्रव्यूह में। हमने अपने दिमाग में, अपनी जिंदगी में ऐसी बारीक बारीक लेयर बनाई हुई है, दुखों की, तकलीफों की, परेशानियों की, उलझनों की, रुकावटों की, क्वेश्चनों की, आलस की, ऐसी लेयर बन चुकी है। बहुत कई बार आप मार्केट में जाते हो, लोगों के माइंड में क्वेश्चन आता है या दूसरे लोग भरते हैं, भैया जो पहले जुड़ गए वही पैसा कमाते हैं, सारे नहीं कमाते। उनका अपने तरीके से ये क्वेश्चन बोलना सही है, लेकिन याद रखो इसमें पहले या बाद में जुड़ने वाली बात ही नहीं है। सचिन तेंदुलकर तब भारत रत्न बना जब यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल क्रिकेट में आए भी नहीं थे। तो अभी सचिन बन गया, तो उनको तो आना नहीं चाहिए था कि भाई ये बन गया, अभी हमको कौन पूछेगा। लेकिन आपको भारत रत्न मोदी से नहीं मिलेगा, आपकी योग्यता से मिलेगा दोस्त। आप कामयाब कौन होगा? जो ये जो लेयर बन चुकी है हमारे माइंड में, नेगेटिविटी की, अहंकार की, दुखों की, तकलीफों से, जो इस लेयर को चीरते हुए ऊपर आएगा वो आगे बढ़ जाएगा। यस सर।
और आधे से ज्यादा तो इसी चक्कर भी हुए उलझे पड़े। ये ज्यादा होशियारी का काम नहीं है। कई लोग, कई बार विजय मैंने देखा, कुछ लोग इतने ज्यादा होशियार हैं, काम की होशियारी हो तो ठीक है लेकिन जरूरत से ज्यादा होशियार है, ज्यादा होशियारी लेके बैठ जाती है। एक बार क्या हुआ, दो दोस्त ने ट्रेन में जा रहे थे, तो जैसे वो ट्रेन में चढ़े तो एक दोस्त बोलते यार टिकट ले लेते हैं। बोलता है यार टिकट क्यों लेनी है, मेरे साथ है तू देख अपने बंदे की हिम्मत। ट्रेन में चढ़े, ट्रेन में फुल रश, कोई उसको घुसने ना दे, तो वो बोले यार तेरे को मैंने पहले बोला था कि टिकट ले लेते, अभी कहां इसमें घुसेंगे। कहता रुक तो सही, अभी उनको जाना था भोपाल, बैठ गए इंदौर। अभी क्या हुआ, थोड़ी सी ट्रेन चली और शोर मचा दिया, सांप 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 सांप। भाई यार सबको लगा इस डब्बे में सांप है, जो लोग भागने लगे, थोड़ी देर में डब्बा खाली। वो बोलता है देखा अपने भाई की होशियारी, सो जा जिधर मर्जी आराम से। अब क्या हुआ, शाम की ट्रेन थी, सुबह पहुंच जाना था भोपाल। अब हुआ ये, सुबह जब हुई तो डिब्बे में दो आदमी, लेकिन डिब्बा यार्ड में खड़ा है साइड में। वो बोलते यार इसमें तो कोई चाय वाला भी नहीं आया, पानी वाले बोलते थे पानी पी लो पानी पी लो, है कोई बोलता था नाश्ता करना ढोकला ले लो ये ले लो, इधर है ही कोई नहीं। तो ना देखा वो इधर है कोई नहीं, तो ऐसे देखा तो एक बंदा बाजू से ना हथौड़ा लेके जा रहा था, उन्होंने डब्बा खोला, बोला हे भाई साहब ये कहाँ खड़े हैं। कहता इंदौर में। कहता मतलब इंदौर में, तो ये कौन सी ट्रेन का डब्बा है। कहता मालवा का ही है। तो कहता मालवा तो अभी तो पहुंच गए अभी दिल्ली। कहता हाँ पता क्या हुआ था, कल ना इस गाड़ी इस डब्बे में सांप आ गया था, तो फिर ट्रेन वालों ने बोला कि ये सांप पकड़ने वाला उसमें तो था नहीं, तो डब्बा साइड में कर दिया, यात्री दूसरे डब्बे में शिफ्ट कर दिए। तो आज अभी सांप पकड़ने वाला आएगा 10 बजे, फिर इस डब्बे की चेकिंग होगी, फिर ये आगे जाएगा। दूसरा दोस्त बोलता है उल्लू के पट्टे, इससे बेहतर है टिकट ही ले ली होती। ज्यादा होशियारी, ज्यादा स्यानप कई बार आदमी को खा जाती है। और कई बार बुरा मत मानिएगा, हमारी टीमों में ऐसे बहुत होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं। उनकी असफलता का कारण कंपनी नहीं है, उनकी ज्यादा होशियारी है। जो सांप है ना ये डस रहा है उनको बार बार। इसलिए जितना जल्दी हो सके अपने सारे क्वेश्चनों का आंसर आज ही क्लियर कर लो, खत्म कर दो, है ही नहीं क्वेश्चन, है ही नहीं है तो सॉल्व क्या करोगे। तुम्हारा माइंड कमजोर है, क्वेश्चन नहीं है तुम्हारा माइंड। अगर लोगों की बातों में, लोगों के विरोध में इतना दम होता ना, मुझे ज्वाइन किया 22 साल हो गए, मैं 22 साल में मर गया होता। तो जब मैं नहीं मरा तो तुम कहां मरोगे।